हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल हरिक्रिएशन में। तो दोस्तों, हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी खास होने वाला है। साथ ही साथ में हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हमने मटेरियल टेलीग्राम में अवेलेबल कर दिया है। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मटेरियल टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन और दूसरा बिटमार्क और शेक इफेक्ट। दोनों के दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएंगे। आप उसे पासवर्ड डाल के अपने लाइट मोशन में इंपोर्ट कर सकते हो। पासवर्ड वीडियो में दे दिया है और लाइट मोशन का लेटेस्ट वर्जन भी बिना पासवर्ड के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आप सभी लोग पहले प्रीव्यू देख लीजिए, बाद में वीडियो स्टार्ट करते हैं। अलर्ट मोशन इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो प्लस आइकन के बाद में प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे आ जाना है। आपको सॉन्ग बीट मार्क और शेक इफेक्ट मिल जाएगा, तो सॉन्ग बीट मार्क ओपन कर लीजिए। सॉन्ग बीट मार्क ओपन करने के बाद यहाँ मेरे चैनल का लोगो है, यहाँ अपना चैनल का लोगो सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट प्रीसेट दे दिया है, कमिंग साउंड और हैप्पी होली। तो आपको क्या करना है, ये बीट पे आपको फ़ोटो डालना है। सिर्फ फ़ोटो डालने के लिए डबल बीट पे आ जाना है 10 सेकंड पे, प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो ले लीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से यहाँ से कट कर दीजिए, फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से यहाँ से कट कर दीजिए, प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, फिर से यहाँ से कट कर दीजिए, फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, फिर से यहाँ से फ़ोटो का पार्ट कट कर दीजिए। दोस्तों, मैंने चार फ़ोटो डाले हैं बीट पे, तो इस तरह से आपको पूरे बीट पे फ़ोटो डाल देना है। तो मैं जल्दी से फ़ोटो पे बीट डाल देता हूँ हमारा, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो दोस्तों, मैंने सारे बीट पे फ़ोटो ऐड कर दिया है। तो अपने को फिर से डबल बीट पे आ जाना है। डबल बीट पे आ जाने के बाद प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए। मैं एक वाइट शेडो आपको दे दूंगा, वो आपको ले लेना है। वाइट शेडो लेने के बाद मून ट्रांसफर में आ जाइए और शेडो को नीचे स्लाइड कर लीजिए। फिर से आप डबल बिट पे रहना है, मीडिया पे क्लिक कीजिए, आपको एक PNG ऐड कर लेना है और हैप्पी होली का। तो लेने के बाद मून ट्रांसफर में आ जाना है फिर से, और नीचे स्लाइड करके थोड़ा सा साइज एक्सेस करके आपको रख लेना है। अपना हो जाने के बाद लास्ट वाले फ़ोटो पे आ जाना है, शेडो को और टेक्स्ट PNG को खींच लेना है इस तरह से। तो अपने को शेक इफेक्ट डालना है। शेक इफेक्ट के लिए आपको शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पे आ जाना है। शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पे आ जाने के बाद यहाँ एक फ़ोटो का इफेक्ट दिखाई देगा, तो फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, कॉपी इफेक्ट कर लीजिए, फिर से वापस सॉन्ग बीट मार्क पर आ जाइए। सॉन्ग बीट मार्क पर आ जाने के बाद फिर से स्टार्टिंग फ़ोटो डबल बीट पे आ जाइए। यह जितने फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे ये इफेक्ट पेस्ट करना है। तो कैसे करना है आपको दिखाता हूँ। फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। फिर से दूसरे फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। फिर से तीसरे बार फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। फ़ोटो पे क्लिक कीजिए, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। इस तरह से आपको सारे फ़ोटो पे इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, मैंने सारे फ़ोटो पे इफेक्ट पेस्ट कर दिया है। तो आपको फिर से डबल बीट पे आ जाना है। डबल बीट पे आ जाने के बाद
एक ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट ऐड करना है तो प्लस पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिए, आपको लिंक टेम्पलेट का टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आपको टेलीग्राम से ऐड कर लेना है। टेम्पलेट ऐड करने के बाद जो वाइट शेडो है उसके नीचे खींच लेना है, बाद में टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए, वीडियो पर क्लिक कीजिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, लाइटिंग ओपेसिटी में आ जाइए, लाइटिंग में क्लिक कीजिए, स्क्रीन कर लीजिए। स्क्रीन करने के बाद जहाँ लास्ट वाला फ़ोटो है वहाँ पे बीट पे आ जाने के बाद टेम्पलेट पर क्लिक कीजिए, पीछे का पार्ट कट कर दीजिए। तो दोस्तों हमारा स्टेटस बन के तैयार हो गया है।